नमस्कार बच्चों, आप संख्याओं के बारे में तो जानते ही हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये कितना है, 25। आपको पता है 25 क्या होता है? 25 में दो बंडल और पांच खुली वस्तुएं होती हैं। ये हम खुली वस्तुओं के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि जब 10 से ज़्यादा वस्तुएं आती हैं तो उनको हम इस प्रकार से बांध देते हैं और एक बंडल बनाते हैं। चलिए आज हम वस्तुओं को जोड़ना सीखें, किस प्रकार से वस्तुओं को मिलाते हैं, इसी बात को हम सीखते हैं। 12 वस्तुएं और 13 वस्तुएं हमने आपस में मिलानी है। 12 वस्तुओं का मतलब एक बंडल और दो खुली वस्तुएं, लिखा मैंने एक बंडल दो खुली वस्तुएं। और 13 कितनी होती है बच्चों? एक बंडल है इसमें और तीन खुली वस्तुएं हैं। जरा इनको हम मिलाएंगे, तो जब इनको मिलाएंगे तो कितने बंडल आ गए हमारे पास? दो बंडल। और खुली वस्तुएं कितनी आ गई बच्चों? पांच खुली वस्तुएं। ये देखो, दो और तीन, पांच खुली वस्तुएं, ये हमने लिख दिया। अब इनको हम बढ़ाएंगे। दो बंडल कितने होते हैं बच्चों? दो बंडल से ये दो बंडल पांच खुली वस्तुएं, इसको लिख देंगे 25। इसको हम इस तरीके से भी जोड़ कर सकते हैं, तीन और दो पांच, एक और एक दो। ये तो बड़ा सरल है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 25 जमा 12 को करते हैं। 25 का क्या अर्थ है? दो बंडल और पांच खुली वस्तुएं। 12 क्या होता है? एक बंडल और दो खुली वस्तुएं। तो कितने बंडल हो गए हमारे पास? दो और एक, तीन बंडल। और खुली वस्तुएं? सात खुली वस्तुएं। तो तीन बंडल सात खुली वस्तुएं। तीन बंडल को कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये तो बड़ा सरल है, इसको आप बड़े ही आसानी से फटाफट झटपट जोड़ कर सकते हैं। चलो बताओ, मेरे को बताओ आप, 37 और 21 कितना आया? तीन बंडल और दो बंडल, कितने बंडल? पांच बंडल। सात खुली वस्तुएं, एक खुली वस्तुएं। कितनी खुली वस्तुएं? आठ खुली वस्तुएं। तो कितना आ गया बच्चों? 58 आ गया जोड़। ये तो बड़ा आसान है, यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। 30, तीन बंडल के 30 और दो बंडल के 20, ये 50 आ गया हमारा। और सात और एक 8, तो कितना आ गया बच्चों? ये 58 आ गया। इसी प्रकार से आप झटपट जोड़ करना सीख जाएंगे। इसमें देखो, दो बंडल, चार बंडल, छह बंडल और छह खुली वस्तु, तीन खुली वस्तुएं, नौ खुली वस्तुएं। ये तो बड़ा आसान है। आप अपने दिमाग में सोचिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपकी बुक में से ही, आप दिमाग में सोचो और उसका उत्तर निकालो, आप खुद करें। ये सवाल भी आप खुद करें, सोच के करना है। एक सवाल मैं करा देता हूं आपको। कितना आएगा बच्चों? तीन बंडल, चार बंडल, सात बंडल, तीन खुली वस्तु, दो खुली वस्तु, पांच खुली वस्तु। बड़ा आसान है। और देखते हैं आगे। इसको मन मन में जोड़ करके बताओ, मन में जोड़ना है आपने। तीन सात खुली वस्तु, नौ खुली वस्तु। ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। चलो हम और इस प्रकार के आगे सवाल देखते हैं, कुछ बड़े सवाल देखते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं। उसमें कैसे 17 खुली वस्तुएं और 14 खुली वस्तुएं, इसका क्या आएगा 14? अब इसका क्या मतलब है? एक बंडल और सात खुली वस्तु। 14 क्या होता है? एक बंडल और चार खुली वस्तु। तो कितने बंडल आ गए बच्चों हमारे पास? दो बंडल और 11 खुली वस्तु, यानी कि इसको जोड़ेंगे अगर हम, ये 11 खुली वस्तु आ गई। अब आप जानते ही हैं, जब हमारे पास खुली वस्तुएं ज्यादा होती हैं तो क्या करते हैं हम? उनको बांध कर एक बंडल बना देते हैं। तो इनको हम बांध देंगे, 11 वस्तुओं को बांध देंगे। 11 वस्तुओं कैसे बनाएंगे? एक बंडल बनेगा और एक पैकेट, एक खाली बचेगी। तो यहाँ पर कितनी खुली बचेंगी? एक खुली बचेंगी, खुली वस्तु आएगी। और बंडल कितने आएंगे बच्चों? एक बंडल यहाँ से आएगा ना, दो बंडल पहले ही पड़ेंगे यहाँ पे, दो और एक तीन बंडल हमारे पास हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका कितना आएगा? तीन बंडल 30 और एक 31, इनका जोड़ ये आएगा। इनको दोबारा जोड़ते हैं,
ये 11 आया था ना, 11 में से ये एक बंडल बंडलों में जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, इसको हासिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हासिल, क्योंकि हमने खुली वस्तुओं को बांध कर बंडल बनाने हैं और बंडल को बंडल के अंदर जोड़ना है। तो 7 और 4 11, 11 में से जब बांध देंगे तो एक बंडल आगे जाएगा और एक खुली वस्तु यहाँ, और ये 3 बंडल यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से इसको करना है, और जब इसको इस प्रकार से नहीं करना, ये गलत है आपका, क्योंकि बांध वस्तु खुली वस्तुओं को बांध कर हम बंडल बनाएंगे और बंडल आगे बंडलों में ही जुड़ेंगे, ये आपने ध्यान देना है। चलिए और सवाल करते हैं इस प्रकार की मुझवानी। यहाँ देखते हैं, 7 खुली वस्तु 5 खुली वस्तु, कितनी खुली वस्तु? 12 खुली वस्तु हो गई। 7 खुली वस्तु और 5 खुली वस्तु, कितनी खुली वस्तु बच्चों? 12 खुली वस्तु। अब आप जानते हैं 12 खुली वस्तुओं को हम बंडल में बदलेंगे तो कितना बंडल बनेगा हमारा? एक बंडल और 2 खुली वस्तु। तो यहाँ पे आएगा 2 खुली वस्तु और एक बंडल, दिमाग में करना है, एक बंडल और 3 बंडल और 4 बंडल, कितने बंडल हो गए? 4 और 3 7, और एक बंडल हो 8 बंडल। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। इसको मानक तरीके से कैसे करेंगे? ये देखो, 7 और 5 12, 12 हो गया ना, 12 में से जो 2 खुली वस्तु आ गई वो यहाँ खुली थी और एक यहाँ हासिल आगे जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये इसका उत्तर आ गया, 82 आ गया। क्योंकि देखे दूसरे तरीके देखते हैं इसको, 40 और 7 30 और 5, 40 और 30 70, और 5 और 7 12, 70 में 12 जोड़ेंगे, 70 और 10 80, 80 और 2 82 आएगा हमारा। इस प्रकार से कई बच्चे ऐसे करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, ये ठीक नहीं है। यहाँ से आपने इसको एक को हासिल करके इसके अंदर बंडलों के अंदर जोड़ना है, इसमें यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं गणित के, इसको जोड़ेंगे, 3 बंडल जमा 6 वस्तुएं, और यहाँ पर कितने हैं? 3 बंडल जमा 8 वस्तुएं। अभी पहले वस्तुओं को जोड़ेंगे हम, खुली वस्तुओं को जोड़ते हैं, कितनी वस्तु होगी? 6 वस्तु यहाँ 8 वस्तु यहाँ, कितनी वस्तु होगी बच्चों? 8 और 6 14 वस्तु, गिन सकते हैं आप कंचों से, 14 वस्तुओं में से क्या करेंगे हम? 14 हमारे पास वस्तुएं हैं, तो एक बंडल और 4 खुली वस्तु बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितनी खुली वस्तु आएंगी? 4 वस्तुएं, और जो एक बंडल है वो यहाँ एक बंडल में ही जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 बंडल। तो कितना उत्तर आएगा हमारा? 7 बंडल के 70 और 4 74, यानी कि 36 और 38 को जब हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा बच्चों? 6 और 8 14, 1 और 7 74। इस प्रकार से आप बंडल को बंडल में जोड़ेंगे, यानी कि हासिल की टर्म आएगी आपके पास, हासिल को लेकर ही आपने जोड़ घटा करना है, क्योंकि आपने जब 10 से बड़ी वस्तुएं हो जाती हैं तो बंडल बना के जोड़ना होता है। चलिए एक दो सवाल और करते हैं इसका, फिर आप खुद कर सकते हैं। दो सौ अड़तालीस जमा 135, इसको जोड़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था, 8 वस्तुएं और 5 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हो गई? 13 वस्तुएं, यहां लिख लेंगे 13 वस्तुएं। जब भी 10 से बड़ी आएंगी तो हम उनमें से एक पैकेट बनाएंगे, 10 का कितना बनेगा? एक पैकेट, एक बंडल यानी कि, और 3 खुली वस्तु। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 खुली वस्तु लिखेंगे, और एक बंडल यहाँ जाएगा, बंडल बंडल में जुड़ेगा, 4 बंडल 3 बंडल और 1 बंडल 8 बंडल, 2 और 1 ये 3। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ गया। बच्चों आप वीडियो के माध्यम से जोड़ सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप जोड़ गए, जोड़ना सीख गए होंगे। चलिए एक तालिका करते हैं आपकी बुक की, तालिका आपने ध्यान से देखनी है और उसके अनुसार करना है। धन्यवाद।